हेलो गाइस, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ D2h के एप्लीकेशन से ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करनी है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इसमें मैं कंप्लेंट रजिस्टर करने से पहले, जैसे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो भी कोड आ रहा है उसको पहले ठीक से प्रॉपर से चेक कर लेना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। जैसे टीवी स्क्रीन पे E100-4 लिखा रहा है, E04-4 लिखा रहा है या E18-16-4 कुछ लिखा रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है और कैसे अपने सेटअप बॉक्स को चेक करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना, फीचर में आपके काम आएगा, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, चलते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर में आपने डाउनलोड कर लेना है D2h एप्लीकेशन, जिसका नाम है D2h इन्फिनिटी ऐप। ठीक है जी, इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपने इसमें लॉगिन इजीली हो जाना है। ठीक है जी, जिसको लॉगिन करना नहीं आता है तो मैं आपको इसी वीडियो में अभी लाइव रूप के साथ में लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है और इसमें यहाँ पे मांगता है कस्टमर आईडी, बीसी नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है जी, इन तीनों में से मेरा फर्स्ट पे टिक है रजिस्टर, ये जो मोबाइल नंबर पे मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए होगा। तो गाइस, पासवर्ड तो मैंने बनाया नहीं है, और अगर आप भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे D2h इन्फिनिटी ऐप, तो गाइस पासवर्ड आपके पास भी नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्शन दिया और भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, और रिक्वेस्ट ओटीपी। आप यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट ओटीपी के थ्रू आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। इसमें आपने क्लिक करना है सिंपली, और इसमें अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कर देना है। चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में देखो यहाँ पे ओटीपी आया है 37 26 71, ये ओटीपी डालने के बाद में आपने सबमिट कर देना है। ठीक है जी, कोई पासवर्ड बनाने की आपको जरूरत नहीं है कि पासवर्ड बनाना है जब आपका ये एप्लीकेशन से ओपन होएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब चलते अपने जो हमारे टीवी स्क्रीन पर एरर कोड आ रहा है उसमें हमें कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे सेल्फ ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करना है। सेल्फ ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करने के बाद में कुछ यहाँ पे मेन्यू खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे, जैसे आपके टीवी स्क्रीन पे जो भी एरर कोड शो कर रहा है वो यहाँ पे सारा कुछ इसमें ये लोग दिखा रहे हैं। अगर आपके टीवी स्क्रीन पे टेक्निकल एरर सिग्नल नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है तो सबसे पहले अपने जाइए वेदर आपके यहाँ पे कैसा है। अगर वेदर यहाँ पे लिख रहे हैं वेदर इज़ फाइन, वेदर इज़ नॉट फाइन, अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे वेदर मतलब ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम है, तो गाइस उस कंडीशन में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वेदर जो भी आपका अच्छा है, वहाँ पे मौसम साफ है, एकदम धूप निकली हुई है, तो आपने वेदर इज़ फाइन आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ये लोग कहते हैं RG6 केबल एक बार ही चेक कर लेना, एंटीना से प्रॉपर कनेक्ट हैगी, STB से प्रॉपर कनेक्ट, आपकी जो केबल हैगा वो कनेक्टिव, मतलब आपने खुद से चेक करनी होगी कि कनेक्ट ठीक से है या नहीं है। अगर ठीक से है तो यस आपने कर देना है। ठीक है जी, तो आपका इसमें रिफ्रेश कमांड ऑटो मोड पे सेंड हो जाती है। ऐसे आपने यस करने के बाद में अनेबल सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, अनेबल टू व्यू चैनल बट टीवी एरर कोड नॉट कंफर्म। ठीक है जी, आप चैनल लगा रहे हैं और उस पर ब्लैंक स्क्रीन आ रही है और D2h लिखा आ रहा है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या एरर कोड आ रहा है आपके टीवी पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक एयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ऑटो मोड पे रिफ्रेश कमांड भेज दी जाएगी D2h की एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है जी, सेम इसी तरीके से अगर आपके E16-4 आ रहा है, इस कंडीशन में भी आपका रिफ्रेश कमांड सेंड की जाती है यहाँ से। उसके बाद में E18-4 पे भी रिफ्रेश कमांड सेंड की जाती है। ठीक है जी, उसके बाद में आ जाते हैं हम D2h स्टक ऑन लोडिंग स्क्रीन। अगर आपका जो सेटअप बॉक्स है लोडिंग स्क्रीन पे रुका हुआ है तो आपने यस करना और यहाँ पे सेटअप बॉक्स को मैन स्विच से ऑफ करके ऑन करना है। उसके बाद में देखना है, अगर आपका जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाता है तो यस करना, आपने हैवी रिफ्रेश कमांड यहाँ से सेंड हो जाती है और आपका सेटअप बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, अगर लोडिंग स्क्रीन पे अटका हुआ है आपका सेटअप बॉक्स तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको पर्सनली कुछ की बताऊंगा रिमोट की। उस की से कमांड देनी होती है टीवी स्क्रीन पे, वो कमांड देने के बाद में मुझे लगता है 101% आपका सेटअप बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। जो हैंग हुआ सेटअप बॉक्स होता है लोडिंग स्क्रीन पे रुका हुआ होता है, उस कंडीशन में ठीक हो जाता है। ये आ रहा है ब्लू ब्लैक स्क्रीन
रिस्टेयर ऑन स्क्रीन पिक्चर नॉट क्लियर। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सेटअप बॉक्स होता है, अगर आपका सिग्नल का इशू है या कुछ केबल का इशू है, प्रॉपर कनेक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं स्विच ऑफ एसटीबी मैन पावर से, और इसको प्रॉपर आपने चेक करना है, फिर दोबारा से आपने लगा देना है, मैन पावर से ऑफ करके ऑन कर लेना है, फिर आपने चेक करना है और यहाँ से यस की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर देनी है। उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है अपने लिखा हुआ 107-4 स्मार्ट कार्ड नोट पैड। ठीक है जी, ये भी कई जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे यस करना है और फिर यहाँ पे यस करना है। ये लोग यहाँ पे यस इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे यू आर इन फ्रंट ऑफ टीवी, आप टीवी के सामने है, तो जी आम टीवी के सामने है, तो यहाँ पे ये लोग रिपेयर कमांड एज वी सेंड, इन्होंने रिपेयर कमांड जो सेंड कर दिया है कि अपने जो 107 की प्रॉब्लम है, E107-4 की प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट 100% हो जाएगी 10 से 15 मिनट के अंदर। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, E100-4 का इशू जहाँ भी आ रहा है, तो आपने क्लिक केयर पे क्लिक करना है, यस कर देना, यहाँ भी आपके रिफ्रेश कमांड सेंड कर दी गई है। ठीक है जी, लास्ट ऑप्शन हमारा है E04-4, इस पर आपने क्लिक करना है और यस कर देना है, यहाँ पे भी आपने, ये लोग बता रहे हैं एसटीबी को स्विच ऑफ करें, उसके बाद में स्विच ऑन करें, और उसके बाद में आप यहाँ पे चेक करें कि आपका सेटअप बॉक्स चलता है या नहीं चलता है, उसके बाद में आपने देखना नो पावर इन एसटीबी। अगर आपके सेटअप बॉक्स में पावर नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, अदर पोर्ट पे किसी पे चेक करना है, जहाँ पे आपका टीवी चल रहा है वहाँ से सेटअप बॉक्स को हटा के कहीं दूसरे पॉइंट पे लगा के चेक करना है कि आपका टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है जी, अगर इन सब अपने जो हेल्थ चेकअप आप पूरा कर चुके हैं और इसके बावजूद भी आपका टीवी नहीं चल रहा है, तो गाइस इसने इस कंडीशन में आपको कंप्लेंट करनी होगी, वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे आ चुके हैं हम जो बैक पेज पे, राइट सर्विस रिक्वेस्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में एसटीबी नॉट वर्किंग की रिक्वेस्ट, अगर आपका सेटअप बॉक्स खराब हो रहा है तो एसटीबी नॉट वर्किंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपके टीवी स्क्रीन पे ब्लू ब्लैक स्क्रीन आ रही है या आपने सिग्नल नॉट अवेलेबल कुछ आ रहा है लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में आपने सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एनी अदर कैरी पे अपने इशू पे सिलेक्ट कर देना है। तो गाइज आपका जो भी आपके टीवी के सामने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसी को आपने सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने सेटअप बॉक्स में कोई इशू है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स हैंग, एसटीबी मेरा आएगा सेटअप बॉक्स हो चुका है हैंग और उस कंडीशन में मेरा सेटअप बॉक्स चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये हैंग लिख दिया है। हैंग लिखने के बाद में आपने सबमिट कर देना है इसे, और सबमिट करते ही आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी। जैसे कि आप नीचे टोकन नंबर देख रहे हैं, ये टोकन नंबर मिल चुका है, और टोकन नंबर मिलने के बाद में ये जो कंप्लेंट है रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं दोबारा चेक सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर बीसी नंबर। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से आपको डिश टीवी के एप्लीकेशन से आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं, इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना बनता है, और अपने चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। तो गाइस वीडियो फिलहाल में इतनी है, थैंक यू भाई, टाटा बाय बाय।